अपने पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एयर ट्विस्ट जेल कार फ्रेग्रेंस का खाली पैकेट। इसी को यूज़ करके आज हम लोग बनाने वाले हैं कैंडल होल्डर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट था इसको कट कर दिया है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो इसका ये बीच वाला राउंड पार्ट है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ भर देना है। तो यहाँ पे मैं एक बेकार पेपर को इसके अंदर भर दूंगी जिससे कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैंने इसके चारों तरफ लगाया है ये वॉल पुट्टी का पेस्ट ताकि जो पेपर हमने इसके अंदर फिल किया है वो ना दिखे और इसको एक फिनिश्ड लुक मिले। वॉल पुट्टी के ड्राई हो जाने के बाद मैंने लिया है यहाँ पे फैबिकॉल। फैबिकॉल में मिलाया है थोड़ा सा पानी और इस पेस्ट से हम इसको अच्छे से किसी भी वेस्ट पेपर से कवर कर देंगे उसके छोटे छोटे टुकड़ों से। इसको कवर करने का रीज़न ये है ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब हमें करना है इसके ऊपर थोड़ा सा वॉल पुट्टी का काम। वॉल पुट्टी की हेल्प से हम इसके ऊपर थोड़ी डिटेलिंग्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल रखा है। मैंने वॉल पुट्टी की लंबी लंबी स्ट्रिप्स को इसके चारों तरफ लगाया है। उसके बाद नेल कटर के नाइफ से उसमें लाइंस को ड्रॉ किया है, थोड़ा सा टेक्सचर दिया है और मैंने चारों कॉर्नर्स पे छोटे छोटे फ्लावर्स को बनाया है। तो वॉल पुट्टी के सूख जाने के बाद अब बारी है इसको कलर करने की। मैंने यहाँ पे इसमें किया है पिंक कलर, इसके बॉर्डर्स पे मैं करूँगी ऑरेंज कलर क्योंकि फेस्टिवल्स में ना थोड़े पॉपअप कलर्स अच्छे लगते हैं। बाकी कलर्स तो अपनी चॉइस के होते हैं, जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसके बॉर्डर्स को किया है ऑरेंज, फ्लावर्स को भी किया है ऑरेंज और बाद में मैंने इनको गोल्डन कलर से किया है हाईलाइट। और जो इसके बॉर्डर्स हैं उनको भी मैंने गोल्डन कलर से हाईलाइट किया है। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना वो मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मेरे पास एक वेस्ट एनवलप पड़ा हुआ था उसके ऊपर ये लगे थे गणेश जी जिनको मैंने हटा के रख लिया था। तो इन गणेश जी को इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो वैसे हम यहाँ पे शादी के कार्ड से हटा के भी कुछ लगा सकते हैं, गणेश जी या राधा कृष्ण कुछ भी। और ये है इसका फाइनल लुक। सेकेंड DIY के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 100 पाइपर्स का ये कैप जिस पे मैंने वॉल पुट्टी से कुछ डिटेलिंग्स को ऐड किया है। और वॉल पुट्टी के सूख जाने के बाद अब बारी है इसको कलर करने की। तो कलर यहाँ पे मैंने लिया है डार्क मरून और उसी से मैंने इसको पेंट किया है, लेकिन जो एजेस हैं उनको मैंने येलो कलर से पेंट किया है। मेरे पास रखा हुआ था ये टेप ख़त्म हो जाने के बाद जो रोल बचता है वो, उसको मैंने यहाँ पे इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये सिर्फ कैप ना बहुत
छोटा सा लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा हाइट देने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया है। कलर करने के बाद मुझे ना थोड़ा होच पोच लग रहा था, तो मैंने इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें पर्पल कलर ऐड किया है बीच में। तो ये अब मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। और कलर को कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने इसके जो बाहर वाले एजेस हैं कैप के, उस पर मैंने एक ग्रीन कलर की लेस को लगाया है। जब तक कलर हमारा सूख रहा था, तब तक मैंने वो टेप रोल को भी कार्डबोर्ड का जो अंदर वाला पार्ट होता है उससे कवर कर लिया था। हम यहाँ पे इसकी जगह पे कोई सुंदर लेस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है और आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।